अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबके घरों में खैर आफियत होगी। तो जी, मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं मैं कर सकी थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और आवाज़ मेरी बिल्कुल नहीं निकल रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो जी, मैंने पहले आपको दिखाए थे अपनी वीडियो फैंसी कलेक्शन, अब मैं अपनी बेटी की फैंसी कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। तो फैंसी ड्रेस कलेक्शन दिखाऊंगी। तो जी, ये है नेवी ब्लू कलर में वेलवेट की गोन। तो इसके ऊपर मैंने ना कुंदन के गोल्डन कलर के ना लेसिस के पैचेस लगवा लिए हुए हैं, तो ये बहुत प्यारा लगता है। ये देखें, गले के ऊपर भी सारे कुंदन के लेस लेके तो मैंने उसको ऐड करवा लिया और साथ में गोल्डन कलर का दुपट्टा था। तो ये है जी ईमान का दूसरा ड्रेस, ये है ब्लैक कलर में। तो नीचे मैंने सितारों वाला कपड़ा जो उसका फ्राक स्टिच करवा लिया और ऊपर सादा नेट का कलियों वाला जो है मैंने वो फ्राक स्टिच करवाया। तो नीचे घेरे पे मैंने ना पैचेस लगवा लिए गोल्डन कलर के और सिल्वर कलर का। आप गले में नेकलेस वगैरह डाल लें और साथ में ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड दुपट्टा एंड ब्लैक ट्राउज़र साथ में, बहुत प्यारा लगता है, सिंपलनेस और एलिगेंट सी लुक देता है। तो जी, ये है ईमान का तीसरा ड्रेस, ये है जी लहंगा चोली बना हुआ। तो इसके ऊपर मैंने नीचे लहंगा है, ऊपर लॉन्ग शर्ट है। तो ये सारा इंडियन वर्क है, गोटे का काम है और कढ़ाई है साथ में। तो जी, ये ऑरेंज ग्रीन एंड आरसी कलर की, ये तीन कलर को मैंने कम्बिनेशन रखा था। तो दुपट्टे के ऊपर मैंने सारे इसके टसल वगैरह लगवा लिए हुए, तो बहुत प्यारा ड्रेस लगता है ये। और ये है जी रेडी टू वेयर। तो जी, ये मैं इसके ऊपर सारी गोल्डन कलर की तिल्ले की कढ़ाई हुई हुई है और साथ में पल के मोती लगे हुए हैं। तो ये भी बड़ा प्यारा सा और एलिगेंट सी लुक लगती है। तो ज़्यादातर आपको ईमान की कलेक्शन में ना ब्लैक कलर ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा ब्लैक को ना पहनती है और बहुत प्यारी और एलिगेंट सी लुक लगती हैं। और इसके साथ आप जीन्स के साथ और दुपट्टे के साथ इसको ले सकते हैं, तो बहुत प्यारा लगता है ये। और जी, ये है ईमान का चौथा ड्रेस, ये भी ब्लैक कलर में है। तो ये था लहंगा और शर्ट बनाई हुई। तो लेकिन जब इसने फिर ना दूसरा फंक्शन आया, तो इसने कहना कि मैंने ना इसका लहंगा नहीं पहनना, तो मुझे आप इसका फ्रॉक स्टिच कर दें। तो मैं ख़ुद से डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ, तो फिर मैं इतना ले कर आई जाके कतान सिल्क का कपड़ा और उसके ऊपर मैंने गोटे की लेस ली और साथ में, क्योंकि नीचे भी सारा लहंगे के ऊपर भी गोटा वर्क था, तो फिर मैंने ना गले के ऊपर भी गोटे वाली लेस और पैचेस लगा दिए और साथ में दुपट्टा जो है वो, ये तो बहुत ही प्यारा दुपट्टा है इसका। तो दुपट्टे के भी ना डार्ट्स बने हुए हैं गोल्डन कलर के नेट पर, और चारों तरफ मैंने इसकी किरण लगवा ली और साथ में सिक्कों वाली और घुंघरों वाली मैंने लेस लगवा ली। तो ये बहुत प्यारा और एलिगेंट सी लुक देता है। तो यकीन माने, ये लहंगे से भी ज़्यादा प्यारा फ्रॉक लगा था। और बैक साइड पे मैंने गोल वो गला बना के चकोर वाला और उसके ऊपर मैंने टसल ऐड कर दिए। तो बच्चियों को तो ये ड्रेस बहुत ही प्यारे और एलिगेंट सी लुक देते हैं। और ये है जी शॉर्ट फ्रॉक और इसके साथ है नीचे ट्राउज़र, ये नेट का फ्रॉक है, नेट के नीचे उमर वाली शमीज़ लगा के। तो ये प्लेट्स वाला फ्रॉक मैंने शॉर्ट सा बनाया था, तो इसके घेरे पे साथ में मैंने टसल्स लगा दिए थे। तो ये बहुत प्यारा और डिसेंट सी लुक देता है। तो इसके साथ में नीचे ना मसूरी की शलवार थी और इसका बॉर्डर बचा था, तो मैंने वो साथ में ना ट्रोज़र का बॉर्डर जो है ना इसका ऐड करवा लिया था। तो बहुत प्यारा बना था ये, और बैक एंड फ्रंट सेम है। और दुपट्टे पे मैंने नेट का दुपट्टा लेके तो चारों तरफ इसके लेस को ऐड करवा लिया था। और जी, ये है कुर्ता, और कुर्ते के ये फ्रोज़ी कलर का कुर्ता है, ये भी रेडी टू वेयर है। तो ये भी बहुत प्यारा, ये ना आर्गेंजा टिशू होता है ना, उसके ऊपर ये बना हुआ है। तो ये सारी उसके ऊपर कढ़ाई और सितारे का और धागे का काम है और टसल्स वगैरह लगे हुए हैं।
साथ में इसके यही कलर और फ्रोजी और गोल्डन कलर में, साथ में इसके ट्रोज़र और गोल्डन कलर का साथ में मैंने कढ़ाई के साथ मैचिंग करके दुपट्टा बना लिया था इसका। तो बच्चों को तो इस तरह के एलिगेंट सी लुक और स्लिम लुक वाले ड्रेसेस बहुत प्यारे लगते हैं। और ये भी है जी इंडियन लहंगा चोली। और ये था ना तकरीबन ये 4 साल पुराना ड्रेस है। तो इसके नीचे ना इंडियन का लहंगे जो चले थे वो लहंगा है, और साथ में इसके मैंने शर्ट बना ली थी गोल्डन कलर की, और साथ में दुपट्टे साथ मैचिंग करके इसके मैंने स्लीव लगवा लिए थे। और दुपट्टा इसका काफ़ी भारी है कि आप कोई सादा सूट लेके भी ना उसके साथ इसको एडजस्ट कर सकती है। तो ये बहुत प्यारी और एलिगेंट सी लुक देती है जब पहने, तो ये बहुत प्यारा ड्रेस लगता है। और ये है जी, ये भी रेडी टू वेयर है, ये मैंने शाहपोश से लिया था, और ये भी बहुत प्यारा है। ये आगे से शॉर्ट और पीछे से टेल लुक में है, और इसके ऊपर भी सारा सितारे का और तिल्ले का काम है, और साथ में कुंदन के ये कुंदन लगे हुए हैं मेहरूनिश कलर में। तो बहुत प्यारा और एलिगेंट सी लुक देता है ये, और साथ में इसके दुपट्टा जो है वो मुकेश का काम है दुपट्टे के ऊपर, और चारों तरफ इसके पाइपिंग लगी हुई है और टसल्स वगैरह है। तो ये देखें कितना प्यारा लगता है ये भी, और ये रेड और स्किन के साथ इसकी जो है वो कम्बिनेशन है। तो बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं। तो इसके साथ ही मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद है कि आपको मेरे ड्रेसेस आज की कलेक्शन ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।